हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और आप देख रहे हैं सिर्फ पहाड़। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत जंगल में आने से हो गई है और आज मैं जंगल में ना ही लकड़ियों के लिए आ रखा हूँ और ना ही घास के लिए और ना ही किसी अन्य चीज़ के लिए आ रखा हूँ। मैं जंगल में सिर्फ ये देखने के लिए आ रखा हूँ कि जो ये वाला जंगल है, इस वाले जंगल में छिंदड़े या छोटी छोटी लकड़ी की टुकड़ियाँ पड़ी हैं या नहीं पड़ी हैं। तो इस वाले जंगल का नाम दोस्तों मांडुयू है। इस वाले जंगल का जिक्र मैंने पिछले ब्लॉग में काफ़ी अच्छी तरीके से किया हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैल भी चलाने के लिए ला रखे हैं। पता नहीं किसके ला रखे हैं, वो मुझे पता नहीं। मेरा गांव है यहाँ सामने पर, जहाँ से होकर मैं यहाँ तक आया सिर्फ यही देखने के लिए कि इस वाले जंगल में लकड़ियाँ और छिंदड़े भी हैं या नहीं है। तो दोस्तों, दो चार दिन पहले तक मैंने किसी दूसरे जंगल में काफ़ी सारे छिंदड़े इकट्ठा किए और घर भी लाया। करीब 25 से 30 कट्टे में छिंदड़े के घर ला चुका था दो चार दिन पहले तक, और उस वाले जंगल का नाम है पटाला। जैसे कि आप यहाँ सामने वाले जंगल को देख रहे होंगे, इस वाले जंगल का नाम पटाला है, जहाँ से मैं करीब 25 से 30 कट्टे छिंदड़े के ला चुका हूँ। और अब इस वाले जंगल में छिंदड़े नसीब होना बड़ी मुश्किल है। इस वाले जंगल को मैंने सीजन आने से पहले साफ कर दिया है। सीजन आने का मतलब ये है कि अभी ठंडियों का सीज़न उतना शुरू नहीं हुआ है जितना बाद में होगा दिसंबर या जनवरी में, और जो अन्य लोग हैं वो दिसंबर या जनवरी में जाएंगे इन वाले जंगलों में छिंदड़े ढूंढने के लिए। बट मैंने वहाँ पहले से ही साफ कर दिया है, और जब लोगों को छिंदड़े नहीं मिलेंगे तो लोग मुझे गाली देंगे कि आखिर कौन था वो जिसने इस जंगल को साफ कर दिया है और एक भी छिंदड़ा नहीं बचा रखा है। और फिलहाल मैं क्या करता हूँ, जंगल में एंट्री करता हूँ और देखता हूँ कि छिंदड़े या लकड़ियाँ हैं या नहीं हैं। तो चलो भाई, तो मांडवी वाले जंगल में मैंने एंट्री कर दी है और यहाँ फिलहाल तो मुझे एक भी छिंदड़ा नज़र नहीं आ रहा है और छोटी मोटी लकड़ियाँ भी नज़र नहीं आ रही हैं। बाय द वे, यहाँ पर ये बैल मज़े से चरने पर लगे हुए हैं। ओ मगन, लो लो, तो जोड़ा फाड़ो। ओ तो यहाँ ऊपर पर एक भाई लकड़ियों का जुगाड़ करने पर लगा हुआ है। कोई छोटा मोटा टुकड़ा पड़ा होगा तो उसको कुल्हाड़े की हेल्प से फाड़ रहा है वो, और मैं जंगल में घूम रहा हूँ कि मुझे कहीं पर छिंदड़े मिलेंगे या लकड़ियाँ मिलेंगे। तो यहाँ पर ये भाई लकड़ियों का जुगाड़ करने पर लगा हुआ है, और यहाँ ऊपर की साइड आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पत्थर है, हैं बाघोड़ा तुम। तो ये भाई बोल रहा है कि यहाँ पर बाघ का उड्यार दिखा, यानी कि बाघ का अड्डा जहाँ पर बाघ रहता है। देखते हैं आज यहाँ पर बाघ मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा अड्डा है बैठने के लिए और बाघ के रहने की जगह है ये। तो बाघ रोन बीच क्या ओह, वैसे इस पत्थर के नीचे आग जला रखी है तो काला हो रखा है। तो मैं अब भाई की लकड़ियाँ भी दिखाता हूँ, यानी कि भाई की मेहनत भी बताता हूँ। भाई बोल रहा है कि मेरी दौली भी बता दे, मैं आपको दौली बताता हूँ। दौली भी एक प्रकार की लकड़ी होती है जिसकी हेल्प से अन्य लकड़ियों में आग सुलगाई जाती है। जैसे कि ये देखो, इसको कहते हैं दौली, और इसके हेल्प से हम अपने घर में लकड़ियों को सुलगाते हैं, क्योंकि ये सेम वैसा काम करती है जैसे मिट्टी का तेल करता है। दौली आप देख रहे होंगे, दौली की भी कई प्रकार की किस्में होती हैं। कोई एकदम घटिया किस्म होती है, कोई एकदम ज़बरदस्त जलने वाली होती है, जैसे ये इसको पीरी दौली कहा जाता है। तो भाई के घर में दौली नहीं होगी, इस वजह से वो दौली का जुगाड़ करने पर लगा हुआ है। बट मेरे घर में क्या है कि छिंदड़े भी भरपूर मात्रा में हैं, 25 से 30 कट्टे कम नहीं होते हैं,
पर फिर भी मैं छिंदड़े देखने के लिए आ रखा हूँ, क्योंकि अभी ठंडी हो गई, सीजन को जाने में 2-3 महीने बाकी हैं। तो अभी मुझे इस वाले जंगल में छिंदड़े कहीं भी नज़र नहीं आए हैं, तो फालतू में मैं इतने दूर आया हूँ और घर में मुझे खाना बनाने भी जाना है। तो मैं अब घर चलता हूँ और खाना बनाने के साथ साथ और भी काम है तो मैं उनको निपटाता हूँ घर जाके। तो फालतू में मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है और काफ़ी ज़्यादा मैं जंगल में घूम चुका हूँ इधर उधर, यहाँ नीचे से होकर यहाँ तक चारों ओर। ओ तो घास गाड़ने, ओ तो यहाँ ऊपर पर एक बुआ जी घास निकाल रही है और घास निकालने के साथ साथ उन बुआ जी के अपने साथ बैल भी ला रखे हैं। हैं तो पाँच, ओ तो घास निकालने के साथ साथ इन बुआ जी के बैल भी ला रखे हैं। तो बैल गलत जगह जा रहे होंगे जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए, और बुआ जी ने मुझे कहा तो इन बैलों को इस साइड भगा, यानी इस साइड घुड़िया। ओए चलो भाई चल, ओ अच्छा बोल दिया एक बार ना। तो ये गाय जा रहा था गलत डायरेक्शन में, चल चल। ओ को खान फुंडा शेर ने, ओके ओ ठीक ठीक। चल चल ले, चल ले, चल चल ले ले, चल ले ले ले। ओ भाई इसके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में सींग घुसेड़ देगा। चल चल ले ले। अभी मैं जंगल से घर आ गया हूँ और यहाँ पर कुछ बर्तन धोने के लिए पड़े हुए हैं, तो अभी मैंने इनको धोना है और इनको धोने के लिए मैंने पानी को चूल्हे में चढ़ा रखा है। इस पीछे वाले चूल्हे में, एक चूल्हे में दाल चढ़ा रखी है और दूसरे में पानी, आगे वाला चूल्हा पीछे वाला चूल्हा। आजकल क्या है कि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है और पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो पानी की मार से है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से ना आजकल हम पानी से रिलेटेड जितने भी काम हैं, चाहे कपड़े धोना हो चाहे बर्तन धोना हो, सब काम गर्म पानी से कर रहे हैं आजकल। जितने भी बर्तन धोने के लिए थे उनको मैंने यहाँ पर रख लिया है और गर्म पानी भी एकदम रेडी है, आया है, ये पानी भी ठीक ठाक गर्म है। तो अब मैं इनको धोता हूँ। अभी मैंने बर्तन भी धो लिए हैं और यहाँ पर सुखाने के लिए रख लिए हैं, कुछ कुछ इस ट्रे के अंदर है, कुछ कुछ यहाँ पर रख लिए हैं जो बड़े बड़े बर्तन हैं। और अभी फ़िलहाल मेरे पास उसे कोई काम नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो ये दाल है ना ये इतना ज़्यादा गल गई है कि इसने पूरे प्रेशर के ढक्कन को ख़राब कर दिया है। ये आप देख सकते हैं पूरी दाल गल कर बाहर आ गई है और बारीक बारीक छिलके नज़र आ रहे हैं, जैसे पूरी दाल अंदर से प्रेशर का हाल पता नहीं कैसे बन गया होगा। वैसे तो प्रेशर नहीं जला होगा क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा रखा हुआ है और सीटी आते समय ना पानी एकदम से बाहर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल। तो गाइस ओ भाई गाइस अचानक ये क्या हो गया, सीटी निकालने के चक्कर में गाइस आज कुछ बड़ा होने वाला था,
जस्ट मैंने सीटी निकाली और एकदम से भाप सी करके ऊपर चला गया। ओ भाई भाई, तो गाइस तो आपसे ऐसी गलती नहीं करनी है, चुपचाप प्रे करते हैं, चूल्हे में रहने देते हैं। और दिल की धड़कन तेज एकदम से हो गई थी और अभी भी तेज है गाइस। प्रेशर की सीटी उठाने के चक्कर में आज मैं जल गया था। वो तो शुक्र हुआ मैंने प्रेशर को एकदम से नीचे निकाल लिया और प्रेशर फटा नहीं, आज मैं जल गया था। ओ भाई, तो फिलहाल भात और दाल बनकर एकदम तैयार है, जिसमें मैंने दाल बना दी है और पीछे वाले चूल्हे में भात को रख दिया है। थोड़ी देर तक वो भप जाएगा। और यहाँ पर आप इस छोटे से बच्चे को देख रहे होंगे, इसका नाम शुभम है और हम इसको प्यार से चिंटू कहते हैं। ए चिंटी, जिसके हाथ में फिलहाल संतरा है, ले ले। तो ये हार्दिक का छोटा भाई है, हार्दिक का भुल्ला, ले। ओए, तो इसका घर भी यहीं पर है, यही इसका घर है। और ये देखो सीढ़ियों में ऊपर जाने लग गया है और माँ बोल रही है कि संजू उन दोनों पढ़ू निपोड़ निपोड़ जा 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 वैंसी कणवी दीदी जा 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 प्रैक्टिस प्रैक्टिस निपोड़ निपोड़। तो जब हार्दिक छोटा था ना तो वो भी ऐसे ही चलता था ऊपर जा जा। दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।